साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों का सभी भक्तों ने, सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति पूर्वक उनका पूजन और श्रद्धा से उनका नमन किया। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का स्वरूप सिद्धदात्री है। पूजा अर्चना से होती है भक्तों पर विशेष कृपा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ की 8 सिद्धियाँ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव का माँ की कृपा बनी थी। माँ की अनुकंपा से हुआ भगवान शिव की आधा शरीर। आज माँ दुर्गा की नवमी शक्ति सिद्धदात्री की पूजा की जाती है और नवरात्र के शुभ पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु माँ के पंडालों का दर्शन करने जाते हैं, बड़ी संख्या में दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज हमारे साथ इसी पर हमारे संवाददाता सुहानी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बादशाह नगर के माँ दुर्गा की पंडाल में उपस्थित हैं। नवरात्रि माँ पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि माँ की पूजा अर्चना से भक्तों पर विशेष कृपा होती है और नवरात्रि में खास बात यह है कि इन दिनों माँ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। आइए जानते हैं माँ के नौ स्वरूपों के बारे में। नवरात्रि में दुर्गा की नौ शक्तियाँ जिनका पूजन अर्चन किया जाता है, उनके व्रत रखे जाते हैं, श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में समर्पण किया जाता है। इस खबर पर हमारे साथ बादशाह नगर से सुहानी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुहानी, आप इस समय बादशाह नगर के दुर्गा पंडाल में मौजूद हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होगी और श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन करने के लिए वहां श्रद्धालु आए होंगे, वहां पे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे उनका भी आनंद लेंगे, आपके पास वहां के लेकर क्या जानकारी है? जी मनीष, आपने सही कहा, इस टाइम हम राजधानी लखनऊ के महानगर के स्थित है और यहाँ पे रामलीला 57 साल से सर यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के रामलीले का बहुत ही बड़ा इतिहास है। यहाँ कहा जा रहा है कि 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। यहाँ पे जो भी पात्र जो निभाते हैं वो लड़कियाँ यहाँ पे सारे किरदार को निभाती हैं। यहाँ के एक अलग ही महत्व है इस रामलीला का और आप देख सकते हैं इस यहाँ रामलीला जो है के देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगी है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग रामलीला देखने आए हैं। आप देखिए आपकी यहाँ के जो लोग हैं वो 2 साल के बाद उनको रामलीला देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और वो खुशी खुशी इस बार आके रामलीला का आनंद ले रहे हैं। जी मनीष, सुहानी हम देख पा रहे हैं वहाँ पे कि पंडाल सजा हुआ है और रामलीला का शायद मंचन भी वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है होते हुए, श्रद्धालु भी वहाँ बैठे बड़े जी, 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 प्रसन्नता जी, के मनीष, साथ। मैं आपको बता जी जी सुहानी जी बताइए जी मनीष, मैं आपको बता दूं कि आज ये 5वां दिन है यहाँ का रामलीला का और यहाँ पे आज रावण सीता संवाद है, अंगद का लंका में प्रवेश है आज और यही सब आज कार्यक्रम आज यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। सुहानी, आपके साथ में वहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो बैठे घुसे हुए इसका रामलीला का मंचन का आनंद ले रहे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं? जी जी मनीष, जी बिल्कुल मनीष, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग 2 साल के बाद आज रामलीला का इस बार आनंद उठा रहे हैं, उनके चेहरे पर आप उत्साह देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो रामलीला का आनंद ले रहे हैं। तो आइए यहाँ के जो दर्शक हैं उनसे हम बात करते हैं कि आप रामलीला को किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। मैम, आज 2 साल के बाद मैम हम लोग कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे थे, रामलीला का आनंद नहीं ले पा रहे, तो इस बार मैम आप लेने का आनंद हमको अवसर प्राप्त हुआ, तो सर मैम इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद दोबारा से हम अपने संस्कृत उसमें जा देख पा रहे हैं और छोटे बच्चों को दिखा पा रहे हैं कि रामलीला होती क्या है। क्यों तो आपको मजा आ रहा है? रामलीला की कुछ विशेष बातें बताइए, आप अपने फैमिली के साथ आए हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आप आए हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों अगली पीढ़ियों को, राम की कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जीवन में हम अपने राम के बातों को प्रयोग करते हैं? हमारा कल्चर इतना रिच है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सब देखें और सीखें कि कैसे हम अच्छाई की जीत होती है बुराई पर।
तो इसीलिए हम बच्चों के साथ यहाँ देखने आए हैं। तो आइए मनीष, और भी हम लोगों से बात करवाते हैं। यहाँ के जो दर्शक हैं वो 2 साल के बाद इस बार आनंद उठा रहे हैं रामलीला का। देखिए यहाँ पे एक छोटे बच्चे भी आए हैं, वो भी इस बार रामलीला का आनंद ले रहे हैं। भाई आप 2 साल बाद आपको रामलीला देखने को मिल रहा है कोरोना की वजह से, तो किस प्रकार से आप आनंद ले रहे हैं? मैं आनंद ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्टर्स हो गए, तो उसके अलग अलग टाइप के फीचर्स हो गए। रामलीला में आपको किसका किरदार सबसे अच्छा लगता है, क्या आप? सब लोग भगवान से देख पाते हैं कि भगवान की क्या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपने देखा मनीष, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ही उत्साह से अब रामलीला का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी रावण और सीता का संवाद हो रहा है, तो आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी सोनाली, हम देख पा रहे हैं कि आज रामलीला का मंचन वहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे छोटे बच्चे मौजूद हैं। आपने जिन छोटे बच्चों से बात करी उनको भी अपने संस्कृति के बारे में जानने का एक अवसर मिल रहा है इसके माध्यम से, और ये भी जान पा रहे हैं कि नवरात्र क्यों होता है, नवरात्र में माताओं का महत्व क्या होता है और नवरात्र के अध्याय रामलीला क्यों की जाती है। ये कि बहुत ही अच्छा एक सांस्कृतिक उत्सव है एक तरीके से, जहाँ पे लोगों को अपने ही संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। जी सुहानी मनीष, यहाँ पे आवाज मनीष नहीं सुनाई दे पा रहा है कि यहाँ पे आवाज की वजह से, यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी वजह से आवाज नहीं है। वहाँ पे इस समय रामायण का मंचन हो रहा है तो आवाज जाहिर सी बात आ रही होगी। फिलहाल माता के 9 रूपों के स्वरूप का भक्तों ने बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ उनके दर्शन किए, और अब मैं चाहता हूँ वहाँ के जो प्रबंधक आपके पीछे बैठे हुए उनसे भी आप बात कर सकते हो। मैं यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं कि यहाँ के सर, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो सर आप जो रामलीला हो रहा है सर कितने सालों से हो रहा है, यहाँ के क्या विशेष महत्व? ये 1964 से चल रही है, 1964 से, और हमारी वो है कि गायन शैली में ये एक थिएट्रिकल रामलीला होती है जो कि पूरे लखनऊ में कहीं नहीं होती है, और ये 1964 से ऐसे ही चलती चली आ रही है, लखनऊ की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है। सर राम जी की कुछ ऐसी कुछ बातें बताइए जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होती है। राम जी का अपने आप में ही किरदार एक ऐसा है कि जो आपको जीवंत रहने का और संयुक्त रूप से चलने का की प्रेरणा देता है कि आप कैसे अपने आप को एक आदर्श पुरुष के रूप में ढाल सकते हैं। सर कह रहे थे सर 57 साल से यहाँ पे सर रामलीला का सर आयोजित किया जा रहा है, तो सर अब पहले से अभी तक क्या ऐसी चेंजिंग की है जिससे कि यहाँ के जो दर्शक है और भी सर यहाँ पे आने के सर देखने के लिए और करते हैं? देखिए ऐसा है कि पहले हमारे पास रिसोर्सेज कम हुआ करते थे, अब लाइट ड्रेस वगैरह बढ़िया हो गई है, थोड़ा आकर्षक ज्यादा हो गया पहले से, तो वो पब्लिक को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अब कलाकार मिलने मुश्किल हैं जैसे पहले मिलते थे। अब हमारे जो आजकल की पीढ़ी है वो पाश्चात्य कल्चर की ओर जा रही है जो कि सही नहीं है, हमको अपनी संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए। आइए और भी मनीष, हम जो लोगों से बात करते हैं, यहाँ के जो महासचिव है उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ के रामलीला का ऐसा क्या महत्व है। सर यहाँ की जो रामलीला 57 सालों से रखा जा रहा है तो इसका क्या विशेष महत्व है? महत्व जो है ये इसमें पर्वतीय शैली है, एक गायन शैली, तो गायन शैली के आधार पर ये रामलीला आयोजित की जाती है। इसमें डायलॉग वाली जो यहाँ के मथुरा या अयोध्या की जो रामलीला मंडलियाँ हैं उस तरह यहाँ पर नहीं होता है, तो इस वजह से इसकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। सर यहाँ कहा जाता है कि जो 57 सालों से जो यहाँ रिकॉर्ड तोड़ा गया है, यहाँ लड़के नहीं जो भी पात्र करते हैं वो लड़कियाँ ही निभाती है, सर इसका क्या? देखिए जिस तरह
महिलाओं का सशक्तिकरण चल रहा है, तो पहले महिलाओं के पात्र भी सब पुरुष ही किया करते थे, सीता केकई वगैरह सुपर्णरेखा सब पुरुष ही ये पात्र निभाते थे, लेकिन अब लड़कियां इतनी अधिक आगे आ गई हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और कई अन्य पात्र बालिकाएं निभा रही हैं, बहुत ही कुशलता से निभा रही हैं, इस वजह से लड़कों को यहाँ पर मौका नहीं है पुरुष पात्र निभाने का। आप उद्देश्य देना चाह रहे हैं कि लड़कियां हर फील्ड में काम कर सकती हैं, चाहे रामायण हो चाहे संस्कृत कोई भी कार्यक्रम, इसका लेकर? जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है रामलीला समिति द्वारा, यहाँ रामलीला महोत्सव ही नहीं अन्य कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिदिन यहाँ पर योगाभ्यास होता है और बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर लगभग 100 बालकों का वैदिक रीति से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, प्रतिदिन यहाँ 5:30 बजे योगाभ्यास किया जाता है, तो रामलीला समिति यहाँ पर बालकों को साथ साथ बालिकाओं के भी उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सर आप ये जो किरदार निभाते हैं, सर कितने महीनों से आप तैयारी करवाते हैं रामलीला की? लगभग 1.5 माह से यहाँ पर रिहर्सल होती है और कई पात्र जो हैं उनकी नौकरी लग जाती है या कहीं बाहर चले जाते हैं, तो कई नए लड़कों लड़कियों को जो है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध रंगकर्मी पीयूष पांडे उनके निर्देशन में यहाँ पर कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाता है और महेंद्र पंत द्वारा उसमें सहयोग किया जाता है। यहाँ की जो तैयारियाँ होती हैं वो उसके बारे में सर कुछ बताइए, जो तैयारियाँ होती है रामलीला के बारे उसके बारे में सर कुछ बताइए। हाँ, तैयारियों के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करते हैं और हमारे वहाँ स्वरांजलि नाम से स्मारिका निकलती है जिसमें बड़े बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा विज्ञापन छपाने के लिए धनराशि दी जाती है, उसी धनराशि से यहाँ रामलीला आयोजित की जा रही है। कोविड-19 के समय 2 साल पीछे उसमें भी रामलीला बंद नहीं हुई, सांकेतिक रूप से 2020 में 1 दिवसीय रामलीला हुई और छोटे छोटे रावण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया और पिछले वर्ष 3 दिन की रामलीला यहाँ पर हुई थी। सर कल दशमी है सर, उसको लेकर सर आप किस तरह से तैयारी की है सर, कल के बारे में सर कुछ? हाँ, कल यहाँ पर जितने भी मुख्य चरित्र हैं कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, रावण वध और उनका युद्ध ये सब दिखाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो कि 20 फुट ऊंचे और 10 फीट चौड़े से पुतले हैं, विगत कई वर्षों उनका पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है, वो पुतला दहन कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर परसों यहाँ पर राम का जो है जुलूस निकाला जा रहा है ना, तो उसमें सैकड़ों लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद कल यहाँ पुरस्कार वितरण है कलाकारों को और उसके बाद राज्याभिषेक और तब समापन। तो आपने देखा मनीष, यहाँ के जो महासचिव उनका कहना है कि हम यहाँ के जो पात्र जो यहाँ पे काम करते हैं, जो किरदार निभाते हैं रामलीला के, उन्हें 1.5-2 महीने पहले से ही हम उनको शिक्षा देने लगते हैं और जब भी वो यहाँ पे पात्र जो किरदार निभाते हैं उनके कुछ महीनों बाद कहीं जॉब ले तो फिर दूसरे किरदार को उनको ढूंढ के इनको ला के फिर किरदार को ट्रेनिंग देना पड़ता है। और इनका कहना है कि जो भी यहाँ पे रामलीला होती है वो बहुत ही भव्य तरीके से हुआ यहाँ पे सर आयोजन किया जाता है। वहाँ का पूरा विवरण दिया, वहाँ के रामलीला का आपने पूरा दर्शन किया और उसका जो भी संवाद इस समय हो रहा है रामलीला में उसका भी उसके बारे में भी आपने बताया। सोहानी हम जानना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या वहाँ पे कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है, कोई अनहोनी ना हो पाए इसके लिए? संस्कृत कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, अभी गायन जो हो रहा है उसके वजह से आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी। माँ दुर्गा का आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, नवरात्र के 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना की गई जिसमें श्रद्धालुओं ने माँ की भक्ति करी
और आज सिद्धिदात्री का दिन, तो जाहिर सी बात है बहुत ही भक्तों ने रात को माँ को सिद्ध करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यज्ञ व्रत सारी चीज़ों का अनुष्ठान आयोजन किया। सुहानी, क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे योगी सरकार के प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, क्या आपको वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था दिख रही है? सही तरीके से किया गया है, यहाँ पे पुलिस सरकार जो सरकार है वो पुलिस के भी यहाँ पे इंतजाम किया है बहुत सही सर। कोविड से लेकर हर एक चीज का बहुत पुख्ता इंतजाम किया गया है। हम चाहते हैं मनीष कि आपको जो यहाँ पे पात्र काम करते हैं उनसे आपको बातचीत करवाए, तो हम चलते हैं उनसे उनके पात्र से बात कर ले, तो आप अगर हो पाए तो मैं उनके पात्रों से आपको बात रूबरू करवाती हूँ अपने दर्शकों को। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। वहाँ की आवाजें भी हमारे पास आ रही हैं और वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं बड़े ध्यान से मंत्रमुग्ध होकर उस रामलीला को देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। शायद इसी वजह से आप तक हमारी आवाज नहीं पहुँच पा रही हो। जी मनीष, आप दोनों तरफ मनीष देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग रामलीला का आनंद उठाने आए हैं। इनके चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी खुशी के साथ, उत्साह के साथ रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ पे सभी माँ बहनें सभी यहाँ पे अपने परिवार के साथ यहाँ पे आके आनंद उठा रहे हैं ये रामलीला के, क्योंकि इस बार देखने लायक भी है क्योंकि 2 सालों बाद हम रामलीला का आनंद यहाँ पे उठा रहे हैं। सुहानी, सुहानी, हम चाहेंगे कि आप आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी रामलीला को देख पाए। कैमरामैन से कहिए कि वो कैमरे को मंच की तरफ दिखाए। जी जी जी, बिल्कुल विजय जी, आप वहाँ रामलीला जो हो रहा है वो दिखाने का कष्ट करिए। जी जी मनीष, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीता माँ जो है अपना जो उनका जो संवाद है वो एक गायन के रूप में भगवान को बताना चाह रही हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ सुहानी, और चारों तरफ उनके जो राक्षसी हैं वो घेरे हुई हैं और माँ सीता अशोक वाटिका में बैठकर अपने गायन के माध्यम से अपना जो दुख दर्द है वो बता रही हैं। जी हाँ सुहानी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं रामलीला के इस सुंदर दृश्य को, इसमें माता सीता राक्षसियों से घिरी हुई है और अपना दुख प्रकट करती नजर आ रही है। भगवान श्री राम को याद कर रही हैं, माता शक्ति का आवाहन कर रही हैं। इसी के बाद रावण के ऊपर चढ़ाई हुई थी और उसका वध हुआ था। ये जो रामलीला आप देख पा रहे हैं ये महानगर क्षेत्र में चल रही है, जहां पे माता सीता अपना दुख व्यक्त करती हुई नजर आ रही हैं और आपको अशोक वाटिका दिखाई दे रही है इसमें, जिसमें राक्षसियों से घिरी हुई हैं और प्रभु श्री राम को याद कर रही हैं। नवरात्रि को ऐसे ही नहीं कहा जाता है, नवरात्रि माता का उपासना की जाती है, जिसमें भगवान श्री राम ने जब रावण पर चढ़ाई की थी तो उससे पहले माता सीता की माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की थी, जिसमें उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसके बाद शक्ति स्वरूप में माता ने आशीर्वाद दिया कि आप विजयी होंगे, इसके बाद ही रावण पर उन्होंने चढ़ाई की थी और रावण वध हुआ था। सुहानी, हम अब चलते हैं अपने संवाददाता रितेश के पास। रितेश हमारे जानकीपुरम में मौजूद हैं, वहाँ के पंडाल पे मौजूद हैं, वहाँ भी श्रद्धालुओं की भारी हुजूम इकट्ठा है माता के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और रामलीला मंचन का सुख लेने के लिए। रितेश, क्या जानकारी वहाँ, अब क्या वहाँ पे मंचन में चल रहा है और वहाँ की रामलीला का क्या दृश्य आपके सामने है? जी मनीष, हम जानकीपुरम में इस समय सारा स्टेट में मौजूद है और यहाँ पर दुर्गा पूजा का 9वां दिन है। काफी भीड़, आज ऐसा लगता है कि पूरे शहर की भीड़ सहारा स्टेट के अंदर आ गई है और यहाँ पे अभी जानकारी मिली है कि
पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी आने वाले थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कुछ उपहार लोगों को देंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने में अपना योगदान दिया है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये शहर के बीचों बीच में ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों लोगों का एकत्रित यहाँ पर होना स्वाभाविक है और बारिश भी होने लगी है। मैं मनीष दिखाना चाहूंगा, बारिश बहुत तेज होने लगी है यहाँ पे और मैं पंडाल के अंदर चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और बारिश बहुत तेज होने लगी है। मनीष, का रामलीला का आनंद लेना चाहेंगे, दिखाई भी दे रहा है थोड़ा सा, लोग जल्दी में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल वहाँ पे प्रशासन ने इतनी भीड़ को व्यवस्था के लिए, आपको क्या नजर आ रहा है कि वहाँ पे कितनी प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी करी है यहाँ पे, यहाँ लेकिन बारिश का माहौल आ गया है बहुत तेज और भीड़ भी बहुत ज्यादा है, बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं एक बार पंडाल के अंदर चलूंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे चल रहे हैं और श्रद्धालु भी माता के दर्शन के लिए काफी इकट्ठा है, काफी लोग जा भी रहे हैं क्योंकि आज नौवां दिन है माता का, कल विजयादशमी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पे होगा, किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत को यहाँ पर दर्शाया जाएगा, उस चीज को यहाँ पर मंचन के थ्रू दिखाया जाएगा। कैसे माता के दरबार में यहाँ लोग इकट्ठा है मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अंदर आ गया हूँ और मैं फिर से वो भव्य दरबार दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर ये नाव पर ये पूरा थीम पर बनाया गया है, पूरे नाव के थीम पे बनाया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मनीष, बारिश यहाँ पे हो रही है, हल्की हल्की बूंदे गिरनी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि दरबार में माँ साक्षात यहाँ पे आ गई है। और भीड़ की अगर बात करें तो ऐसा लगता है पूरा लखनऊ शहर यहाँ पे एकत्रित हो गया है। मनीष जी, हाँ रितेश, देख पा रहे हैं कि वहाँ पे भक्त श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है और माता के दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है और काफी बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे साथ दूसरी तरफ हमारी संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी है जहाँ पे रामलीला का मंचन चल रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा है, दर्शक भी उसका आनंद ले पा रहे होंगे। सुहानी, आपने इस समय जो आप प्रसंग देख पा रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है? जैसे कि हमारे साथ जानकी पुरम से रितेश हमारे साथ जुड़े हुए और बराबर उसका माता के पंडालों का पूरा दर्शन और उसका पूरा महत्व बता रहे हैं और वहाँ के जनता से भी बात कर रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी के कारण हम थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। सुहानी और रितेश, आपको माता के दरबार में इतना अच्छा दर्शन कराने के लिए और वहाँ के प्रसंग का दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का आज नवा दिन था, मां सिद्धिदात्री का दिन था। आज भक्तों ने मां सिद्धिदात्री से पूजन अर्चन किया, कन्याओं को भोग कराया, भोज कराया और उनको दक्षिणा स्वरूप दान पुण्य किया जिससे माता प्रसन्न हो और उनके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिलहाल हमारी इस प्रस्तुति में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।